कमा लोगे तो आराम से बैठा खा लोगे। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी व अधिकारी घूस लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि गरीब किसान जब अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए जाता है तो उसको रकम से अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर उसकी खेत या प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, नहीं तो उसकी रजिस्ट्री को नीचे दबा दिया जाता है और पैसे मिलने के बाद उस पर हस्ताक्षर करके फाइल को आगे बढ़ा दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला चंबल कॉलोनी के पास बने उप पंजीयक विभाग में देखने को मिला, जहां एक अधिकारी के द्वारा 2000 की रिश्वत अपने साथी को देने के लिए कहा गया था, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो वहीं के प्राइवेट लोगों के द्वारा बनाया गया था और उसे वायरल कर दिया है। आपको बता दें कि मुरैना में रजिस्ट्रार ऑफिस की डिप्टी रजिस्ट्रार का 2000 रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो रजिस्ट्रार ऑफिसर के दो लोगों के द्वारा बनाया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब रजिस्ट्रार पर कार्यवाही होना तय माना जा रहा है। मुरैना के रजिस्ट्रार ऑफिसर में रामनारायण शाक्य डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में पदस्थ हैं। उनके द्वारा दलाल योगेश सिंह से एक रजिस्ट्री कराने के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांग की गई। इस पर योगेश सिंह ने जब आपत्ति जताई तो रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद में योगेश सिंह 2000 रुपए लेकर सब रजिस्ट्रार रामनारायण शाक्य के पास पहुंचे और उनसे पैसे लेने को कहा गया, जहां रामनारायण शाक्य उस वक्त खाना खा रहे थे। वीडियो में डिप्टी रजिस्ट्रार ने उनसे कहा कि चैंबर में चलो, वहीं आकर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार रामनारायण शाक्य अपने चैंबर में जब पहुंचे तो योगेश सिंह ने 2000 रुपए उन्हें रिश्वत लेने के लिए दिए तथा रजिस्ट्री देने को कहा। इस पर उन्होंने कहा कि वे नरेंद्र को रुपए दे दें। नरेंद्र रजिस्ट्रार ऑफिसर में एक निजी कर्मचारी है जो रजिस्ट्रार ऑफिसर में बतौर बाबू पदस्थ है तथा रजिस्ट्रार के सारे लेन देन उसी के माध्यम से होते हैं। योगेश सिंह नरेंद्र के पास पहुंचे और उससे कहा कि ये रुपए साहब ने भेजे हैं, इन्हें ले लो और रजिस्ट्री दे दो। इस पर उसने इनकार किया तो योगेश सिंह बोले कि साहब का फोन आता होगा, वो स्वयं तुमसे कहेंगे। उसी समय रजिस्ट्रार का फोन नरेंद्र के पास आया, जिसमें नरेंद्र ने कहा कि ये रजिस्ट्री लेने की बात कर रहे हैं। देवगढ़ से ऊपर निकल गए सरसैनी चिन्हौनी, देवगढ़ से ऊपर ही खड़ा होता जाए बाबूजी तुम ले लो।